वेलकम। इस वीडियो क्लास में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले आप सबों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2017 का यह पहला जनवरी है। मैं आशा करता हूं कि मेरे साथ जुड़कर जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, इस साल बहुत जल्दी आप सबों को सफलता मिलेगी। आज मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फिर से फैसला किया है, जो हाल ही में IBPS बैंक PO में आए थे। उन्हें दो भाग में मैं करूंगा, उसमें से फर्स्ट पार्ट आज है। एग्जाम का भी एक नेचर होता है, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जैसे इसी IBPS मेन में सीरीज और अप्रॉक्स के सवाल बहुत ही आसान थे, जबकि मिसिंग DI जो इसके पहले मैंने सॉल्व किया था उसमें समय लगना था। वैसे ही मिसलेनियस क्वेश्चंस में कुछ हैं जिसमें बहुत कम टाइम लगना है, कुछ है जिसमें 30-40 सेकंड्स भी लगने हैं, लेकिन कुछ 10-15 सेकंड्स में भी बनेंगे। इसलिए ओवरऑल जो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होता है वह ऐसा होता है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपका सॉल्व करने का तरीका और टाइम का मैनेजमेंट दोनों सही है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टाइम इन वर्क का है। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय 30 वुमेन टू द वर्क डन बाय 25 मेन इन द सेम टाइम इज 5:6। इफ 9 वुमेन एंड 10 मेन can finish a work in 3 1/13 days, then how many women can finish the work in 4.5 days? Questions आसानी होते हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ ट्विस्ट होता है, और उस ट्विस्ट को वही समझ पाते हैं जिनका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर है। इन द सेम टाइम बोला जा सकता था 5 men और 6 women can finish a work in 3 1/13 days. नहीं, 5 men is equal to 6 women नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप निकालिए, कैसे? तो देखिए, टाइम सेम है, ये ग्रुप मेन वाले इतना काम कर सकते हैं, सेम टाइम में वेमेन वाले उस ग्रुप में इतने पर्सन्स इतना काम कर सकते हैं, आप निकालिए। यानी समझे, 30 वुमेन का एक ग्रुप है जो किसी इंटरवल में, टाइम के इंटरवल में 5 यूनिट वर्क कर सकता है। तो हम लोग बोले 1 यूनिट वर्क कीजिएगा, 1 यूनिट वर्क करने के लिए कितने वुमेन की जरूरत होगी? तो कम काम करने के लिए कम की जरूरत होगी, तो 30/5 वुमेन की जरूरत होगी। उसी तरह से मेन जो है वो 25 मेन उसी समय में 6 यूनिट वर्क करते हैं, 1 यूनिट वर्क कीजिए, तो 25 मेन 25/6 मेन की जरूरत होगी। देखिए, कहने का मतलब ये है कि 36 वुमेन इज इक्वल टू 25 मेन। ये बात कही जा सकती थी कि 36 वुमेन इज इक्वल टू 25 मेन, नहीं कहेंगे। क्या? तो आप निकालिए। ठीक है, निकालते हैं। स्ट्रेंथ जो होता है मैन, हम लोग जो शुरू में बात कर चुके, मैन और वुमेन और बॉय, इट इज स्ट्रेंथ। एम स्ट्रेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो एम मैन वुमेन बॉय कुछ भी हो सकता है, डेज वर्क इट इज। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 9 वुमेन एंड 10 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 3 1/3 days। 3 1/3 days मतलब 40/13 days में काम कर सकते हैं। कौन काम कर सकते हैं? कौन? तो 9 वुमेन एंड 10 मेन। देखिए, 9 वुमेन प्लस 10 मेन, अब इसको कन्वर्ट कीजिए, किसमें करें, मैन बनाए कि वुमेन बनाए, इसका पता इस बात से चलता है कि आगे क्या कहा है। देन हाउ मेनी वुमेन कैन फिनिश, वुमेन पूछा है, वुमेन में कन्वर्जन करते हैं। तो आप देखिए, 1 मैन इज इक्वल टू क्या होगा, 36/25 women। तो 10 men इज इक्वल टू क्या होगा, 10 into 36/25
वेमेन और ये 9 वेमेन। ठीक है, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन है कीजिए, ये 72 हुआ और ये देखिए ये 45 हुआ, यानी 45 प्लस 72 वेमेन बाय 5 वेमेन, इसको सॉल्व कीजिए, 117 बाय 5 वेमेन किसी वर्क को इतने डेज में कर सकते हैं। तो बताइए कि 4.5 डेज में वर्क करने के लिए कितने वुमेन की जरूरत होगी। ऐसे हम लोग बात किए थे, याद है? देखिए 13 से 9 टाइम्स, 5 से 8 टाइम्स, 4.5 से 2 टाइम, 16 डेज आंसर। ये सॉल्व करने का तरीका है जिसमें मैंने कहा था कि आंख मूंद के बनाइए, दिस इज द बेस्ट वे। तो ये टाइम एंड वर्क में मैंने बात किया था, ये मेथड आप उसमें देख लीजिएगा। ये समझ में आया? ये सिंपल ही क्वेश्चन है, जो शुरू में पूछने में जो भी बातें थी वही उन्हीं का ध्यान रखने की जरूरत है, अदरवाइज जैसे आप बनाए थे वही है। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ? 16 कि 16 वुमेन की जरूरत होगी। सेकेंड क्वेश्चन, थोड़ा टाइम टेकिंग तो है क्योंकि इस पर 4-5 क्वेश्चन आते थे और उस पर वो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आप तुरंत जब इसको सॉल्व करना जान जाएंगे तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा चाहिए। इसमें कहीं भी कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी होगी तो ये क्वेश्चन टेस्ट ले लेता है, आपसे गलती हो जाएगी। फास्ट लिखने के लिए आप बोलेंगे ओनली 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 टेबल ओनली बैडमिंटन only only table tennis both and total, इधर बोले boys इधर girls इधर total, और ये line चाहे तो खींचिए ना खींचिए, जो कर रहे हैं कीजिए, जल्दी से कीजिए, लेकिन इसमें time नहीं है आपके पास। देखिए out of a total 85 children, okay 85 children playing badminton, मैं पहले question पढ़ देता हूँ। Out of a total 85 children playing badminton or table tennis or both, the total number of girls is 70% of the total number of boys in the group. The number of boys playing only badminton is 50% of the total number of boys and the number of boys playing badminton is 60% of the total number of boys. The number of children playing only table tennis is 40% of the total number of children and a total of 12 children play badminton and table tennis both. What is the number of girls playing only badminton? ये percentage और set theory दोनों का ही question हुआ। आइए बात करते हैं, देखिए boys और girls मिला के children बने, only badminton only table tennis and both ये तीनों add करने से boys का total number यहाँ होगा, girls का total number यहाँ होगा। ओनली बैडमिंटन एंड बोथ को जब ऐड करेंगे तो बैडमिंटन बनेगा, और ओनली टेबल टेनिस और बोथ को ऐड करेंगे तो टेबल टेनिस बनेगा। ये सेट थ्योरी आप पढ़े होंगे तो उसको जानते होंगे। आई आउट ऑफ अ टोटल 85 चिल्ड्रन प्लेइंग बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 70%, गर्ल्स इज 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। देखिए आपके रेशियो के कॉन्सेप्ट को चेक कर ले रहा है, यहां पर मैं लिख सकता हूं लिखूं, यहां लिख सकता हूं, यहां पर थोड़ी देर लिखता हूं, यहां पर क्या हुआ, ये अगर हम 100 माने तो गर्ल्स क्या है 70% है, तो टोटल कितना हुआ 170% हुआ ना, तो ये जीरो हटा दीजिए। हम बोल सकते हैं ये 10 है बॉयज, देखिए ऐसे बॉयज 10 है तो गर्ल्स 7 है, तो टोटल 85 है, टोटल कितने आए यहां पर 17 है, टोटल कितना दिया हुआ 85, 5 टाइम्स है ना, तो ये 5 टाइम्स, इसलिए इस वैल्यू को यहाँ लिखते हैं, समझ गए, इनटू 5 टाइम्स, यानी बॉयज कितने हुए 50 और गर्ल्स कितने हुए 35, टोटल कितने हुए 85, टोटल चिल्ड्रन कितने हुए 85, समझ गए, यानी रेशियो में भी यहाँ पर चेक कर लिया गया कि अगर आप थोड़ा भी अलर्ट नहीं रहते हैं तो तुरंत गलती हो जाएगी, क्योंकि गर्ल्स का जो परसेंटेज है वो टोटल नंबर के रूप में नहीं दिया है बल्कि बॉयज के रूप में एक्सप्रेस किया गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, तो बी अलर्ट। आगे
द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग ओनली बैडमिंटन दिस ठीक है दिस इज 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज बॉयज कितना है 50 उसका 50% कितना 25 ओके एंड नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग बैडमिंटन Boys playing badminton. Badminton मतलब this and this both is 60% of the total number of boy. तो इसका मतलब 50% यहाँ है तो 10% यहाँ है. 10% कितना होता है 5. क्यों 60% निकालने जाएं? 60 इसका 60% है कौन ये दोनों मिलके तो 50% ये हमको तो मालूम है तो फिर 10% ये हुआ ना निकाले क्यों हम 60% 30 निकाल के 25 लिख के फिर 30 में 25 लेस करके 5 क्यों लिखे ठीक है The number of children, boys girls नहीं children, children मतलब यहां पर boys girls मिला के children बताता हूं देखिए The number of children playing only table tennis, यानी ये वाला only table tennis, children मतलब boys girls मिला के children is 40% of the total number of children, इसका 10% कितना होगा 17 10% 8.5, 20% कितना होगा 17, तो 40% कितना होगा 34. Children मतलब boys girls मिला के total 85 है उसका 40% 34 only table tennis खेलते हैं. The total number of the number of children playing only table tennis is 40% of the total number of children. समझ गए? And a total of 12 children play badminton. चिल्ड्रन प्ले बैडमिंटन बॉयज होने से यहां गर्ल्स होने से यहां चिल्ड्रन होने से यहां बोथ ठीक है व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग ओनली बैडमिंटन ये वाला पूछा है तो आप जरा बताइए ये 34 है चिल्ड्रन यहां पर और यहां पर चिल्ड्रन 12 है तो ये ऐड करके कितना हुआ ये ऐड करके हुआ 46 और 46 इसमें से लेस कीजिए तो कितना आया 39 ये 39 क्या हुआ ओनली बैडमिंटन और 39 कौन है इन दोनों का ऐड करके 39 है तो यहां 25 है तो ये कितना होगा 14 39 माइनस 25 14 क्योंकि बॉयज कितने गर्ल्स कितने टोटल कितने ये टोटल मतलब चिल्ड्रन दिया हुआ है ओनली बैडमिंटन वाला और बॉयज दिया हुआ है 25 तो लेस किया तो 14 इज द आंसर ये समझे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रॉफिट एंड लॉस एंड एलिगेशन दोनों का क्वेश्चन माना जाएगा और यही अगले क्वेश्चन के साथ भी है यानी लगभग एक जैसे नेचर वाले ये दो क्वेश्चन इस बार आए ए लैपटॉप कॉस्ट 15 टाइम्स एज कंपेयर्ड टू द कॉस्ट ऑफ ए माउस ऑन ईच लैपटॉप देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25% व्हाइल द टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग अ माउस एंड अ लैपटॉप इज 30% इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ Rs. 2,100 on selling the mouse, then find the cost price of a laptop. Allegation कब use होता है? किस में, किसको मिलाया तो क्या बना? Laptop में mouse को मिलाया तो total बना? समझ में आ रहा है? देखिए, laptop, mouse. इस पर जो परसेंटेज है प्रॉफिट देखिए लैपटॉप कॉस्ट 15 टाइम्स एज कंपेयर टू द 15 टाइम्स टू द माउस ये रेशियो 15:1 है ऑन ईच लैपटॉप देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25% ओके व्हाइल द टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ए माउस एंड ए लैपटॉप यानी दोनों मिला करके यानी मीन दैट इज 30% इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,100 On selling the mouse, अरे पहले percentage profit निकालते हैं ना फिर रुपए की बात करेंगे समझ में आया तो देखिए allegation के point of view से इसका difference क्या है 5 तो 1 means 5 तो 15 means what 5 times 75 अब इससे क्या है ये less है तो इससे more होगा मतलब ये बड़ा होगा बड़े में 30 less किया तो 75 आया बड़ा money क्या 105 नहीं समझे बड़े में 30 लेस किया तो 75 आया बड़ा दिस माने क्या 75 प्लस 30 यानी 105 कहने का मतलब माउस को 105% प्रॉफिट पर सेल किया ये तो समझ गया माउस को 105% प्रॉफिट पर सेल किया
माउस को 105% प्रॉफिट पर सेल किया, तो जरा बताइए कि उसे तो 2100 रुपीज में सेल किया ना, तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ 105%, और कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं 100%, और ये कितना है रुपीज 2100। देखिए 105 और 210 पकड़िए, डबल होता है कि नहीं, डबल डबल, और ये जीरो है तो 20 टाइम्स है कि नहीं, तो ये भी 20 टाइम्स हुआ, यानी 2000 यानी 2000 रुपीज आंसर, यानी उसका कॉस्ट प्राइस 2000 रुपीज था, जिसको कि 5% यानी 100 प्रॉफिट के साथ 2100 में सेल किया गया माउस को। ठीक है, समझ गए। इसके बाद अगला सवाल ये भी ऐसा ही है, प्रॉफिट एंड लॉस का है और एलिगेशन का इस्तेमाल है, पढ़ता हूं। द मार्क प्राइसेस ऑफ ए शर्ट एंड ए ट्राउजर आर इन द रेशियो 1:2। द शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन द शर्ट। इफ ए टोटल डिस्काउंट ऑन द शर्ट एंड ए ट्राउजर इज 30%, देन व्हाट इज द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द ट्राउजर। उससे भी थोड़ा और आसान ही माना जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का भी है और एलिगेशन का भी है। देखिए, मार्क प्राइसेस ऑफ ए शर्ट एंड ट्राउजर, शर्ट एंड ट्राउजर, ठीक है, ट्राउजर आर इन द रेशियो 1:2, ठीक उसी तरह से 1:2, ओके ओके। द शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन द शर्ट, डिस्काउंट माने -40, ओके, दिस इज मीन। हाँ, आगे देखिए, इफ द टोटल डिस्काउंट ऑन द शर्ट एंड ट्राउजर, बोथ का मतलब ये वाला, दोनों मिला के जो होता है यहां होता है, दिस इज 30%, यानी दिस, ओके, देन व्हाट इज द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द ट्राउजर, माइनस में होगा, ये होता है। अब जरा बताइए, इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10, तो 2 का मतलब 10, तो 1 का मतलब 5, 1 का मतलब कितना, तो 5, ठीक, रेशियो नेगेटिव नहीं होता इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। अब बताइए, ये वैल्यू तो दोनों के बीच में होता है, इससे ये स्मॉलर है, इससे ग्रेटर होगा, ग्रेटर, ये तो बड़ा है ना, ये बड़ा है ना, बड़े में इसको लेस किया तो ये आया ना, इसको सॉल्व कीजिए तो क्वेश्चन मार्क क्या हुआ -25, यानी ये जो है 25% डिस्काउंट दिया जाएगा, दिस इज द आंसर, यानी शर्ट पर 40% का डिस्काउंट दिए हैं, तो ओवरऑल दोनों पर आपको 30% का डिस्काउंट तभी मिल पाएगा जब ट्राउजर पर 25% का डिस्काउंट दें, जबकि इनका रेशियो 1:2 है। बोलिए, चारों क्वेश्चन का सेट आपको कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा और आप पूरे विश्वास के साथ अपने एग्जाम्स को देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, एक बार फिर नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, धन्यवाद।